हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, ये बहुत ही अचूक उपाय है। जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप यह जरूर कीजिए। ठंडी का सीजन आ रहा है, ठंडी के सीजन में सबसे ज्यादा समस्या होती है छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ही जल्द जुखाम पकड़ लेता है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि बच्चों को जुखाम पकड़ लेता है और जुखाम जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। अगर हम दवा भी लाते हैं उससे ठीक तो हो जाता है, लेकिन बच्चे को बहुत पहले तकलीफ होती है। उसके बाद दवा जब हम पिलाएंगे थोड़ी देर बाद असर करेगा, फिर दवा काम करना शुरू करेगी, तब बच्चे आपके ठीक होंगे। आप यह काम करिए, आपके पूरी ठंडी भर बच्चों को कभी भी सर्दी जुखाम की शिकायत नहीं होगी। बस आप यह एक छोटा सा काम कर लीजिए, इस छोटे से काम से आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे को बिल्कुल सर्दी जुखाम नहीं लगेगी। बड़ों को सर्दी जुखाम लगती है तो होता यह है कि बड़ों अपना समझ लेते हैं क्या हुआ है, क्या दर्द कर रहा है, उस हिसाब से दवा दर्पण कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते। ज्यादातर जो नवजात शिशु होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं सर्दी जुखाम के मौसम में। इस समय ठंडा मौसम, गर्म मौसम चल रहा है, दोनों मौसम चल रहा है, दोनों की वजह से सर्दी जुखाम की बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें सबसे पहले लेना होगा घर का सरसों का ऑयल, यानी कि एकदम शुद्ध सरसों का तेल लेना होगा। सरसों का तेल बच्चों को मालिश करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और वो जो घर का सरसों का तेल यानी कि ओरिजिनल तेल होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें मिलावट रहता है, तो मिलावट वाला तेल बच्चों को मालिश करने के लिए ना यूज करें, ज्यादातर यही यूज करें या फिर कोई और ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन मिलावट वाला सरसों का तेल ना यूज करें। तो दोस्तों, कढ़ाई हमने पहले गर्म कर लिया थोड़ा सा, चाहे जिस कढ़ाई में या भगोने में इसे बना सकते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। एक बार हम बना लेते हैं तो ये 15-20 दिन तक तो चलते ही हैं, ये खराब होने वाली चीज नहीं है, इसमें कोई चीज खराब होने लायक पड़ी भी नहीं रहती है। तेल चाहिए होगा और उसके बाद हमें अगली जो चीज है वो चाहिए होगा अजवाइन। अजवाइन जो होता है ये सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदा करता है, इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। अजवाइन जो गर्म होता है ये गर्माहट की वजह से बच्चों को सर्दी नहीं लगने देती है। तो ये हमने 2 कटोरी तेल डाल दिया है, इसमें हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच अजवाइन डाल दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा प्याज। प्याज हम 1 ले लिए थे मीडियम साइज के, उसे कट कर लिए छील करके, उसे भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक प्याज एकदम सा ब्लैक ना हो जाए, यानी कि जल ना जाए, जिससे प्याज और अजवाइन का जो रस है यानी कि प्याज और अजवाइन के अंदर का जो गुण है वो सारा तेल में आ जाए। तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, बस इसे 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट में ये आपका तेल बन करके रेडी हो जाएगा बच्चों के मालिश के लिए। अगर बड़ों को भी सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो ये उपाय कर सकते हैं। यह तेल सीने पर लगा दिया जाए, तलवे में लगा दिया जाए, हाथों में लगा करके अगर मालिश कर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से सर्दी सोखता है। और सर्दी से छुटकारा पाने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, भाई बच्चों के लिए कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बता नहीं सकते, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ही दर्द से भरपूर उन्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, इसलिए बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा उबल रहा है, इसे हमें तब तक उबालना है जब तक प्याज का कलर एकदम से चेंज ना हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो ये तेल में इसका जो गुण होगा प्याज और अजवाइन का, ये सारा गुण तेल में आ जाएगा। ये दोनों ही गर्म चीजें हैं,
ये गर्माहट से भरपूर रहती हैं और सर्दी जुकाम लगने पर ये बहुत ही फायदा करते हैं। आप चाहे तो इसमें 2-3 जवा लहसुन का भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम थोड़ी देर उबाल देते हैं, इसे उबालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहे तो मीडियम फ्लेम पर उबालें, मीडियम फ्लेम पर उबालने पर बहुत ही अच्छा ये काम करेगा, यानी कि आपका तेल बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो जाएगा। और चाहे तो अगर आप हाई फ्लेम पर कर रहे हैं तो ये जल्दी से जल जाएगा, इसका जो अंदर का गुण है वो अच्छी तरीके से तेल में नहीं जा पाएगा। तो हम इसे थोड़ी देर उबाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। अभी हमें थोड़ा सा और पकाना है जिससे ये तेल अपना काम कर सके, यानी कि अजवाइन और प्याज अपना काम, अपना गुण तेल में एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए दोस्तों, प्याज का कलर एकदम अच्छी तरीके से चेंज हो गया। हमें इसी स्टेज पर गैस को कर देना है बंद और उसके बाद इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद इसे छान करके छन्नी से प्याज और अजवाइन को अलग करके इसे फेंक देना है। जो तेल होगा उसे हमें यूज में लाना है। तेल को हम किसी बाटल में भर देंगे और थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके बच्चों को मालिश करेंगे। तो दोस्तों इस तेल को आपको दिन में 2-3 बार जरूर मालिश करना है, ठंडे के सीजन में तो 3-4 बार और अभी इस सीजन में 2 बार तो जरूर मालिश करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए यह उपाय जरूर करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे।